भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल की पहचान तेज तर्रार जासूस और रक्षा विशेषज्ञ की रही है। उनके काम की तारीफ कश्मीर से लेकर पंजाब और नॉर्थ ईस्ट तक हुई है। मिजोरम में फील्ड मैन के रूप में काम करते हुए अजीत डोभाल के भूमिगत हो चुके लोगों से अच्छे संबंध थे। साल 2006 में अजीत डोभाल का एक इंटरव्यू छापा था। उस दौरान डोभाल ने एक बहुत ही हतप्रभ करने वाली घटना के बारे में बताया था। दरअसल उन्होंने एक बार मिजो नेशनल फ्रंट के विद्रोहियों को अपने घर खाने पर बुला लिया था। लाल डेंगा के नेतृत्व वाले इस फ्रंट को तब बहुत खतरनाक माना जाता था। डोभाल खुद बताते हैं कि खाने पर विद्रोही अपने साथ भारी हथियार लेकर आए थे। तब डोभाल ने उन्हें आश्वासन दिया था कि वो सभी सुरक्षित है। इससे भी दिलचस्प बात यह है कि अजीत डोभाल की पत्नी ने उन विद्रोहियों के लिए सुअर का मांस बनाया था, और जबकि उससे पहले उन्होंने कभी सुअर का मांस नहीं पकाया था। लाल डेंगा द्वारा बनाया गया मिजो नेशनल फ्रंट 60 के दशक में सशस्त्र संघर्ष के लिए जाना जाता था। लाल डेंगा ने मिजो क्षेत्र की आजादी के लिए ही 16 साल तक गुरिल्ला आंदोलन चलाया था, और 1986 में भारत सरकार और मिजो नेशनल फ्रंट के बीच मिजोरम शांति समझौता हुआ। ये मिजोरम में विद्रोह और हिंसा को समाप्त करने के लिए एक आधिकारिक समझौता था, जो 1966 में शुरू हुआ था।